ये कहा कि सोनू सूद एक महात्मा बन के सामने आए हैं और वो आगे जाके प्रधानमंत्री से मिलेंगे। देखिए सोनू सूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक होनहार कलाकार है, मैंने भी उनकी फिल्में बहुत देखी है, अच्छे कलाकार हैं। वो पर्दे पर भी अच्छा रोल निभाते हैं और एक कोरोना के संकट में भी सड़क पर उतर के उसने एक रोल अदा किया है। मैंने इतना ही कहा कि फिल्मी पर्दे पर एक अलग डायरेक्टर होता है और जो काम उसने किया है बढ़िया काम है, उसके लिए एक पॉलिटिकल डायरेक्टर हो सकता है, ये मेरी भूमिका है। ये लोगों के मन की भावना जो लोगों ने मेरे पास बार बार व्यक्त की थी वो मैंने आज सामना। वी हैव क्रिएटेड एन आइसोलेशन रूम, द लेडी और द जेंटलमैन विल बी रिक्वेस्टेड टू मूव टू द आइसोलेशन रूम वेयर देयर इज अ कंप्लीट सेटअप दैट्स बीन डन विथ पीपीईज एंड एज रिक्वायर्ड symptomatic patient or the symptomatic person should be kept alone for a certain time duration. सबसे पहले है protecting lives and livelihood, दूसरा healthcare और education के लिए medium term investment बढ़ाने की बहुत सी जरूरत है, वो speed से बढ़ाना चाहिए और ये medium term outlook है। दूसरा आत्मनिर्भर भारत बनाना है जिसे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हिंदुस्तान में वापस लानी है जो चाइना में सबसे जास्ती गई हुई है। उसके साथ साथ मेरा ये भी बिलीफ है कि हिंदुस्तान को अपॉर्चुनिटी है फैक्ट्रीज लाना और ये भी सोचना है कि कैसे दुनिया भर की ऑफिस हिंदुस्तान के लोग बन सके, क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम आ गया है। जैसे हम सब अभी बात कर रहे हैं फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम आ गया है तो हम कैसे वर्क फ्रॉम होम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कहीं भी दुनिया में ऑफिस किसी को भी चलानी है तो हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान में बैठे कैसे ये प्रोग्राम को चला सकते हैं कि फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड भी हिंदुस्तान से हो।